बोलिए साचे दरबार की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए लखदातार की, बोलिए फिर से बुलाने वाले की जय। ढाई पौने तीन साल का इंतजार बहुत लंबा कर दिया ठाकुर ने, क्योंकि जब हुआ था तब भी इतना नहीं सोचा था कि इतना इंतजार करवाएगा बाबा, लेकिन फाइनली कृपा हुई और आज इसने फिर से कृपा कर दी और फिर से अपना अखाड़ा जमा लिया, अपनी महफिल जमा ली वहीं जहां ढाई साल पहले छोड़ा था हमने। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, क्योंकि इन तीन सालों ने जो तीन साल गुजरे हमारे, लोग कहते हैं तीन साल बहुत बुरे थे, इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ। सच है बुरा हुआ, लेकिन सच कहूं ये तीन साल बहुत कुछ सिखा भी गए हमको, और सिखा ये गए कि तुम लाख जो चाहे कर लो, तुम लाख कोशिश कर लो, लाख सोच लो, लाख अपने आप को दुनिया का भगवान समझने की कोशिश कर लो, लेकिन जिस दिन मैं अपनी पर आ जाता हूं उस दिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। जो काम 300 सालों में नहीं हुआ वो कर दिया इसने, अपने मंदिर के पट तक बंद कर दिए, जो कभी नहीं हुआ वो काम कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे ऐसे पागल प्रेमी भी देखे जो पुलिस की पाबंदियों के बावजूद भी किसी तरह छुपते छुपाते आए और बाहर बैरिकेड पे ही नारियल बांधा, हाथ जोड़े और चले गए, बोले हो गई हमारी ग्यारस। ऐसे प्रेमियों को जब देखते थे ना, और आज भी देखते हैं, तो मन में एक विचार और भी आता है कि बेशक इसने पट बंद कर लिए अपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वक्त हम लोग ही दुखी होंगे, ये शायद हमसे ज्यादा दुखी होगा साहब वो तीन चार महीनों में। क्योंकि जरा सोचो ना, जिसे रोज अपने लाखों बच्चों को देखने की आदत हो, जिसे रोज लाखों की झोलियां भरने की आदत हो, हाँ, जिसे रोज सैकड़ों के सर पर हाथ फिराने की आदत हो, प्यार करने की आदत हो, और अगर वो तीन महीने इन सब चीजों से दूर हो जाए तो हमसे ज्यादा बुरा हाल तो इसका रहा होगा साहब, क्योंकि ये भी हमसे दूर था। पर कहते हैं माँ बाप वो शख्सियत होते हैं जो बच्चों की खुशी के लिए कई बार वो दर्द भी झेल जाते हैं जिसे हम लोग कभी समझ ही नहीं सकते, और शायद वो तीन महीने इसने भी वही दर्द झेला है। लेकिन आज कृपा हुई, फिर से ये दरबार लगा और फिर से आज वही प्रेमियों की महफिल एक बार जुड़ी है मांगेराम सेवा सदन में। आज बाबा से एक प्रार्थना जरूर कीजिएगा, हम सारे यहां बैठे हैं, बोले ठाकुर अब दिखाया सो दिखाया, अब दोबारा मत दिखाना, क्योंकि अब ढाई साल छोड़ो, अब ढाई महीने भी बर्दाश्त से बाहर हैं। अब कृपा करो कि हर ग्यारस जब तक जिए ये दरबार इसी तरह सस्ता रहे, ये कृपा इसी तरह बरसती रहे और ये गुणगान इसी तरह बरसता रहे। आओ चलते हैं बाबा के दरबार में, सारे प्रेमी बैठे हैं आज दरबार में, दर्शन कर लिए सबने, कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं किए, एक बार हाथ उठा दो जिसने नहीं किए, हैं कुछ एक, चलिए कोई नहीं, अभी कीर्तन के बाद मेरे साथ चलना, फिर करेंगे साथ मिलकर। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की, बोले हारे के सहारे की जय। जी शर्म भैया, आप पढ़े कीर्तन रोज होते हैं, हम भी करते हैं, और अभी तो पूरा बूम आया हुआ है साहब, इतने कीर्तन हो रहे हैं हर रोज पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन ग्यारस का कीर्तन है जिस कीर्तन में आज आप बैठे हैं। मैं इस कीर्तन का आपको एक महत्व बता दूं, ये कीर्तन कीर्तन नहीं बल्कि ये वो कीर्तन है जिस कीर्तन में अर्जियां लगती हैं, ये वो कीर्तन है जिस कीर्तन में सुनवाई होती है, और ये वो कीर्तन है ग्यारस का खाटू की धरती पर जहां भक्तों की फाइलें खोलकर मेरा ठाकुर पढ़ता है और उन पर साइन करके उन्हें आगे बढ़ाता है।
तो आज का कीर्तन सिर्फ कीर्तन नहीं है, इसे कीर्तन समझकर मत बैठना। अगर आज कोई अपने मन की कोई व्यथा लेकर इस दरबार में बैठा है तो ये सोचकर बैठना आज आप खाटू में नहीं बल्कि आज आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, और सुप्रीम कोर्ट में आज 2.5 साल बाद पेशी हुई है हमारी। आज जो मन में हो आज कहना बाबा से, ये मेरा विश्वास है। आज महाराज बैठे हैं अदालत लगाकर, ये हो ही नहीं सकता कि आज सुनवाई ना हो। लेकिन अगर एक घंटा हो अब इस दरबार में, वो एक घंटा सिर्फ और सिर्फ बाबा नजर आना चाहिए। पता है मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब मंदिर में आपने दर्शन किए होंगे आपको वक्त नहीं मिला होगा बाबा से बात करने का, एक झलक भी नहीं दिखी होगी, बाहर कर दिया गया होगा आपको, चल बाहर चल बाहर। ये वो जगह है जहां आप वो बात जो वहां नहीं कह सके इस जगह बैठकर कह सकते हो। मंदिर पीछे है, ठाकुर पीछे बैठा है, और अगर यहां कहोगे ना, ये मेरा विश्वास है, साइन वहां होंगे आपकी हर एप्लीकेशन पर। आइए मिलकर कहते हैं बाबा से कि बाबा के हर एक हारे का है सहारा, हर एक सबके लिए सांवरे का है द्वारा, सबके और जिसने भी मुश्किल में दिल से पुकारा, जिसने भी मुश्किल दिल से पुकारा, उसकी मदद को मेरा श्याम प्यारा, उसकी मदद मेरा श्याम प्यारा। जब इसका प्रेमी हार कर दोनों हाथ उठाकर कहता है बोलो हारे के सहारे की, ये क्या करता है? लीले पे हो के सवार आता है, लीले पे हो के सवार आता। कब आता है? शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो शाम की वही लगी है आज, हो अर्जी जो लगाता है, विश्वास हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। आज तक परेशान थे लेकिन अब टेंशन छोड़ देना, अब आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, और अगर इसने हाथ पकड़कर कह दिया बोले जा आज से कोई हो ना हो मैं तेरे साथ हूं, दुनिया छोड़ो तीनों लोग भी मिल जाएंगे तो बाल बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हारे का सहारा हमारे साथ होगा। उठा लो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हाथ उठाओ ना उठाओ, खाटू में बैठे हो ये कभी मत भूलना। आज का कीर्तन साधारण कीर्तन नहीं है, आज महाराज की मिट्टी पर बैठ कर कह रहे हो क्या कि शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, ओ हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, ओ शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। एक बार दोनों हाथ उठाओ हारे के सहारे के लिए, और ये ताली बजाकर 1 2 3 4
तबला। ताली बजा, क्या कहा? जो आ गया सांवरे की शरण में, फिक्र छोड़ दो, तुम लोग इस वक्त सांवरे की शरण में हो। ताली बजाओ ना, सारी चिंताएं सारी टेंशन अब इसे दे दो, ताली बजाकर। अब दरबार में अपनी टेंशन लेकर खुद मत बैठना, वरना ये छोड़ देगा। ताली बजाकर प्रेम से गया सांवरे की शरण में, ओ जो आ गया सांवरे की शरण में, जो आ गया सांवरे की शरण में, हारा नहीं वो कभी जग के रण में, हारा नहीं वो कभी जग के रण में, ओ जो आ गया सांवरे की शरण में, जो आ गया सांवरे की शरण में, हारा नहीं वो कभी जग के रण में, हारा नहीं वो कभी जग के रण में, ओ पग पग पर वो जीत जाता है, पग पग पर वो जीत जाता है, पर शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, बोलो बोलो बोलो, शाम की अदालत में ओ, अर्जी जो लगाता है, अरे हारी हुई बाजी भी वो बेटा जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो बेटा जीत जाता है। जिसे विश्वास है दोनों हाथ उठाकर एक बार, जिसे भरोसा है ये भरोसे वाली तालियां, एक दो तीन चार। क्या बात है, ताली बजाकर, ताली बजाकर। वो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, हो तू ही साथी तू ही माझी तू ही किनारा, तू ही साथी तू ही माझी तू ही किनारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, बोलो जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। कौन कौन है मेरे बाबा का, जरा दोनों हाथ उठाकर ये ताली बजाकर, एक दो दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया
मुझको पहनाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। बोलो ओ दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है। लेकिन अगर आज बात करने आए हो तो दोनों हाथ उठाओ, पिता बैठा है ताली बजाकर, एक दो तीन चार। ताली बजा कर क्या कहा है, जिसके संग तीन बाणों का धारी है, जिसके संग तीन बाणों का धारी वो है, जिसके संग तीन बाणों का धारी है, जिसके संग तीन बाणों का धारी उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी। तीन बाणों का धारी है, जिसके संग तीन बाणों का धारी उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी। जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे बाबा से नाता है, जिसका मेरे शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, वो हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी। और सबसे बड़ी सच्चाई, एक बार हाथ उठाओ ना इस दरबार के लिए, दोनों हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाकर, और बात सही लगे तो कहना, हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, ओ हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, है। आपको क्या लगता है, हम और आप आगे पूरा हो गया नहीं, एक समय वो आएगा जब पूरी दुनिया को इस दरबार में आकर सर झुकाना पड़ेगा साहब।
झुकाएगी। वरदान है इसे जो बैठा है आज दरबार लगाकर। एक समय वो भी था, फागुन मेला एक दिन का होता था, एक दिन का, और एक दिन के मेले में भी 9 बजे मंदिर बंद हो जाता था और 1000-1200 लोग। आज भी वही खाटू है, 1 करोड़ हो गए, और इन 1 करोड़ को 130 करोड़ होते देर नहीं लगने वाली मेरे भाई। लोग कुछ भी लहराते रहे, हम तो हमारे श्याम नाम को लहराएंगे साहब। उठाओ ना जरा, उठाओ ना दोनों हाथ एक बार, उठाओ बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। कारण इसे कलयुग देने वाला था कौन? हनुमान को कलयुग दिया राम ने, और मेरे श्याम को कलयुग दिया घनश्याम ने। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। इसे वरदान देने वाला भी वही है, वही बोले एक समय वो आएगा बरबरीक के धरती का हर प्राणी तेरी चौखट पर आकर सर झुकाएगा, और जो काम कहीं नहीं हो सकता ये मेरा आशीर्वाद है वो काम तेरी चौखट पर आकर होगा। इसलिए कहा है हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है, हाँ ये अदालत सबसे बड़ी है। दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी है, दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी है, दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी है, दुनिया यहाँ सर झुकाए खड़ी है। ओ संदीप सबको ये समझाता है, संदीप सबको ये समझाता है, शाम की अदालत में अर्जी जो, एक बार जोर से, शाम की अदालत हो अर्जी जो लगा, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है। भजन पूरा हो गया, एक बार ताली बजाओ ना, एक बार पीछे वाले जितने प्रेमी हैं बजाओ ताली बजा कर, एक बार गा दो बजाओ। है जिसके संग तीन बाणों का धारी, है जिसके संग तीन बाणों का धारी, ओ है जिसके संग तीन बाणों का धारी, है जिसके संग तीन बाणों का धारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, उसका बिगाड़ेगी क्या दुनिया सारी, जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे शाम से नाता है, वो जिसका मेरे शाम से नाता है, जिसका मेरे शाम से नाता है, शाम की अदालत में अर्जी जो लगाता है, वो हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है, हारी हुई बाजी भी वो प्रेमी जीत जाता है।